हाय गाइस, मैंने नहा लिया है और आज हमारा शूट है हुनर बाज का, जो हर्ष सुबह ही चला गया, उसका काम पहले था, मेरा बाद में। बट मैं इसको कब से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पूछना चाहती हूँ कि तूने एवोकाडो सैंडविच खा लिया, ये खा लिया, अंडा खा लिया, पर कोई जवाब ही नहीं, ना ही कोई स्टाफ हर्ष का फ़ोन उठा रहा है। तो मुझे दाल में काला लग रहा है और मैं आज लंच में काली दाल ही लेके जा रही हूँ। सो देखती हूँ कि ये जब मैं घर पे होती हूँ अकेला शूट पे जाता है, फ़ोन क्यों नहीं उठाता। गाइस, होप्स हो कि कुछ ऐसा वैसा ना हो रहा हो, मतलब काम ना हो रहा हो, मेरा कहने का मतलब कहीं ये चैनल और प्रोडक्शन की गर्ल्स के साथ बैठ के पार्टी तो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, मैं जब शूट से वापस आऊँगी, जब हमारा पैकअप होगा, तो मैं आपको पूरा घर दिखाऊँगी अपना, ठीक है। देखते ही कर क्या रहा है, फोन उठा क्यों नहीं रहा। नहीं, देखती हूँ। सो गाइज, मैं इस वक्त पहुँच चुकी हूँ हर्ष की वैनिटी वैन में। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं आई हूँ। और ये देखिए, सर किधर है? सर अंदर है। हंस क्यों रहे हो? कब से फोन कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहा था? अंदर। ये दो एप्पल लेके सारी बातें छुपा देता है सर की। भाई मैं तेरे को एक बड़ा पाइन एप्पल दे दूंगी, मेरी भी बातें छुपाया कर। इसको देखती हूँ कहाँ है ये। सर आपको स्टेज पे बुला रहे हैं। देखो, मैं घर से फोन कर रही हूँ, मैं इतना फोन कर रही हूँ, और तुम्हें पता है ना कि मैं एक प्रेग्नेंट गर्भवती महिला हूँ, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, और तू फोन नहीं उठा रहा था। हर बार अपना प्रेगनेंसी कार्ड खेलना बंद करो तुम। तो तुमने वो कार्ड खेला ही क्यों मेरे साथ? अगर मेरी तुमने मेरे टेंट्रम नहीं सहने, मुझे पैम्पर ही नहीं करना, क्या कर रहे थे? मैं कब से फोन कर रही थी? गिफ्ट ऑर्डर कर रहे, सिंघानिया सब बन के देखो, देखो ये देख। क्या, कौन से ऐप से कर रहा था बता? कौन सा ऐप है तेरे पास ऐसा? मिंत्रा, आजियो, अमेज़न, ये सारी की सारी ऐप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं एक ही ऐप से। ऐसा हो ही नहीं सकता। कैश करो ऐप। कौन सा? कैश करो ऐप। बहुत सिंपल है भारती, बहुत सिंपल है। आइटम खरीदो, सिलेक्ट करो और कैशबैक पाओ। और कैशबैक जो आपको मतलब ऐसा वॉलेट या ऐसा नहीं मिलेगा, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में, ताकि आपको जेन्युइन कैशबैक वो फीलिंग होती है ना, जो क्रेडिटेड 200 रुपीज, क्रेडिटेड 50 रुपीज, ऐसा वाला दिखेगा। बहुत तगड़ी चीज है। और भारती सबसे अच्छी चीज पता है कैश करो ऐप की मेरे को क्या लगती है? क्या? वो फंडेड है श्री रतन टाटा जी से, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ा ईमानदारी से धंधा करते हैं यार, बहुत अच्छे हैं। कितनी सारी चीजें, डिस्काउंट भी है यार हर्ष। ये देख, ये देख, ये देख, ओ माय गॉड, आजियो पे 8% कैशबैक, मिंत्रा पे 6%। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए, और हमारा कोड LOL25 यूज करके आप इंस्टेंट कैशबैक पा सकते हैं 25 रुपए का। 25 रुपए, 25 रुपए का क्या करेंगे लोग? 25 रुपए अजियो पे 8, मंत्रा पे 6%, ओ माय गॉड, डिस्काउंट मिल रहा है। सच्ची में भी तू मेरे लिए कर रहा है? सीरियस यार, बहुत तगड़ी है। मैं तेरे को बताता हूँ, बहुत सिंपल है ऐप डाउनलोड करना, बहुत सिंपल। ये देख, ये मैंने ऐप डाउनलोड किया, ऐप ओपन कर दो, वेबसाइट चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने चूज किया Amazon, इस ऑरेंज बटन पे क्लिक करना है और नॉर्मली शॉपिंग करो। नो कॉम्प्लिकेशन, बहुत सिंपल है। आपने कैसे, देखो सिंपल है, ऐप ओपन करो, जिस भी वेबसाइट पे आपको जाना है उस वेबसाइट पे क्लिक करो, सीधा उस वेबसाइट के अंदर घुस जाओगे। क्या दरवाजे बनाए यार, क्या बात है। यार मैं इतनी खुश हूँ कि मैं और हर्ष दोनों ही, हम दे देते आपको एक सुपर गिव अवे। और हाँ, हमारा कोड यूज कर आप अपना अकाउंट बनाइए, और क्या मिलेगा इनको? बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रांजैक्शन करनी होगी, छोटे से छोटी ट्रांजैक्शन भी चलेगी। 3 लकी विनर को मिलेंगे ब्लूटूथ स्पीकर्स, और 10 लकी विनर्स को मिलेंगे Amazon के वाउचर्स, वो भी 500 रुपए के, 500 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर। तीन तीन तीन, मम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन, इनको तो मैं जितवाऊंगी। मैं गुजरात के अपने गाँव में भेजने वाला हूँ वो 10 वाउचर्स। सच्ची मैं आज ही पंजाब को बोल दूंगी कि भाई ये ऐप डाउनलोड करो, कहीं से भी यार, प्ले स्टेशन से या अपने फोन पे फटाफट करो, और बस मजे लो, भरपूर डिस्काउंट पाओ। गुड मॉर्निंग गाइज,
आई एम सो सॉरी, मैं रात को आपको अपना घर नहीं दिखा सकी शूटिंग के बाद, क्योंकि बहुत लेट हुनरबाज का पैकअप हुआ था तो आते आते हालत ख़राब हो गई थी, है ना। और हर्ष भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मैंने सोचा कि जाके देखूँ तो सही कर क्या रहा है। बट जब मैं पहुँची तो वहाँ पे उसने इतना अच्छा मुझे सरप्राइज दिया ना, कि मतलब उसने एक ऐप डाउनलोड किया है जिसका नाम है कैश करो, और उसमें से उसने मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट ऑफ़र, मतलब ऑफ़र कह रही हूँ, मतलब मुझे ऑफ़र तो क्या ऑफ़र मिल रहे थे उसमें, जो उसने मेरे लिए ऑर्डर किए, तो मैं खुश हो गई, मेरा गुस्सा उतर गया। और वापस आई तो बहुत रात हो चुकी थी और बाहर अंधेरा भी था बालकनी में, तो आपको पूरा घर नहीं दिखा सकी, इसीलिए मैं अब सुबह जल्दी उठ गई हूँ, अब आपको अपना घर दिखाती हूँ, क्योंकि हर्ष अभी सो रहा है। सो जब तक वो हर्ष सो रहा है, मतलब कि घर साफ है। जब शैतान उठ जाएगा उसके बाद घर क्या बन जाएगा वो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि उठने से लेकर रात तक 25 टी शर्ट और 25 शॉर्ट्स हर्ष बदल लेते हैं। अभी उठेंगे, वॉशरूम जाएंगे, अलग कपड़े, ब्रश करेंगे अलग कपड़े, योगा के अलग कपड़े, नाश्ते के अलग कपड़े, इतने कपड़े हैं कि हमारी जो कपड़े धोती है, हमारी जो हाउस हेल्प है, वो 5 बदल चुके हैं। हम कहती भैया के इतने सारे कपड़े होते हैं, पैसा ज़्यादा लेंगे, तो काफ़ी बदल चुकी हूँ मैं अपनी काम वालियाँ। सो जब तक शैतान सो रहा है तब तक आपको अपना घर दिखा देती हूँ, है ना, क्योंकि साफ़ है। उसके बाद फिर मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जब तक मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, आप फटाफट जाके ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है कैश करो, और बहुत सारे उसमें ऑफ़र चल रहे हैं, मंत्रा, जियो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं उनमें, और अपनी बीवियों को पैम्पर करो जैसे कल हर्ष ने मुझे किया। चलो घर दिखते। तो मैं इस वक्त अपने घर के बाहर हूँ, मैंने बोला था मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी, और मैं इतनी वादे की पक्की हूँ कि घर आपको अंदर से नहीं बाहर से भी दिखाऊंगी। ये भगवान जी, ये मशाल, और ये होप, बिलीव, ड्रीम एंड ट्राई, ये सब आपको अपनी जिंदगी में सोच के रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें करनी है। और ये हमने क्रिसमस का ही टांगा हुआ है थैला, कि लोग गिफ्ट डाल के जाएंगे लेकिन कोई नहीं डालता। ये हमारी मारू, मारू नमस्ते, कैसे हैं आप? देखो इसको होता कि अंदर आओ जल्दी फटाफट, मैं काम कर रही हूँ अपना। सो ये मेरा घर है, और आते ही मैंने यहाँ पे CCTV कैमरा लगवाया हुआ है। देखिए मारू निकल जा बेटा। हाँ, इसमें मैं अगर घर पे नहीं होती तो मैं हर्ष को देखती रहती हूँ कि घर पे कौन आया है और क्या हो रहा है। सो ये है मेरी एंट्रेंस घर की, और सबसे पहले मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। सो देखिए सुबह जब तक हर्ष नहीं उठा, किचन भी बहुत साफ़ है, और मैं मोस्टली रात को भी थोड़ा करके सोती हूँ। आप देखिएगा कि हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करके मुझे रखना पसंद है, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, करती तो मारू ही है जो हमारी हाउस हेल्प है। अब मैं दिखाती हूँ कि घर में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है। घर में जब एंटर करते हैं तो ये ड्रॉ है, इसमें बहुत सारी चाबियाँ वाबियाँ पड़ी रहती है गाड़ी की, और ये बॉक्स रखा है जिसमें बहुत सारे मास्क है, और आप घर से जब निकलो तो मास्क लेके जाओ। सो इस वक्त हम अपने हॉल में हैं, और आइए भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। ये हमारे भगवान जी जो मैं बड़े क्यूट से और छोटे छोटे से रखे हैं, बहुत बड़ा मंदिर मैं संभाल नहीं पाती, इतनी सेवा कर नहीं पाती, इसीलिए उसी हिसाब से मैंने उतना ही मंदिर बनाया जितनी मैं सेवा कर सकती हूँ। सो ये है हमारा लिविंग रूम, यानी कि जहाँ पे हम गेस्ट को बिठाते हैं। ये है जैस्मी और मैं, ये हमारा पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप जो अक्सर हम मिलते रहते हैं, क्योंकि अभी काम के सिलसिले में नहीं मिल रहे, तो ये है हमारा लिविंग एरिया। ये अक्सर आपस में ये चारों बैठ के डिस्कशन करते रहते हैं कि अगला वीडियो क्या बनाए। वो कहता मुझे तो सुना नहीं, एक कहता मुझे मैंने बोलना नहीं, एक कहता मैं सोच रहा हूँ, एक कहता मुझे दिखा नहीं, तो ये ऐसा चलता रहता है इनका। सो मैं बताती हूँ आपको, हमारी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बालकनी है। अरे रब्बा, थैंक गॉड धूप निकली। ये देखिए ये हमारी प्यारी सी बालकनी है, जिसमें सिर्फ हमने दो ही चेयर रखी हैं।
दो चेयर इसलिए रखी है ताकि गेस्ट आए तो फटाफट चले जाए, रुकने का सोचे भी ना, क्योंकि ये सिर्फ घर मेरा और हर्ष का है ना। और गेस्ट जो रुक जाते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं भी किसी घर नहीं रुकती। आप भी खाओ पियो और निकलो ना, ऐसा रुकने का मत सोचो किसी के घर, है ना। तो ये है ऊपर से व्यू, ये हमारे बड़े प्यारे फैंस ने हमें भेजा था। ये देखिए हर्ष लिखा हुआ है, फोटोज हैं। सो आइए मैं दिखाती हूँ बेडरूम, जो मैं धीरे से बात करूंगी क्योंकि वहां पे हर्ष सोया हुआ है। तो ये मैं बता दूं कि ये है बार, बड़ी छोटी सी, आजकल यूज नहीं हो रही क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और हर्ष को अकेले में इंटरेस्ट नहीं होता बैठ के पीने का। तो ये है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी एक जगह से, तो मैंने खरीदी। मैं धीरे धीरे बोलूंगी। सो गाइज, ये है हमारा बेडरूम और ये जो आप आते ही एनाकोंडा देख रहे हैं, ये मेरा प्रेगनेंसी पिल्लो है। हर्ष ने मेरे लिए ऑर्डर किया था, बट अक्सर हर्ष यूज करते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, मैं थोड़ी। जब हम हॉल से अंदर आ जाते हैं रात को, तो यहाँ पे बैठ के हम टीवी देखते हैं या फिर यहाँ पे। और ये हमारा छोटा सा बेड है यार, कितना क्यूट है। ये देखिए, ये सूरज सोता हुआ बहुत क्यूट लगता है, लेकिन जब उठ जाता है। छोटी सी जगह रखी है, मेरा इस गरीब का एक ही है। ये देखिए, ये मेरा ही है बस। लेकिन मैं हर्ष का दिखाती हूँ आपको, ये थोड़े मेरे, सॉरी हर्ष 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 हर्ष, ये सब हर्ष है, सब हर्ष। और ये है हमारा एक प्यारा सा छोटू सा बाथरूम, जिसमें मैंने जो क्रीमें व्रीमें होती है लोगों ने भरी होती है, लेकिन नहीं, हमारी बस यही है। सो मैंने आपको अपना घर दिखाया, अभी एक रूम बचा जहाँ पे हर्ष बैठ के अपनी राइटिंग करता है और वीडियो डाउनलोड करता है। मैं आपको दिखाती हूँ, सो रहा है, भड़क ना जाएगा। ये है हमारा एक छोटा सा पाउडर रूम, इसमें जो बाहर से लोग आते हैं वो पाउडर लगाते हैं। सो ये है हर्ष का थोड़ा वर्क वाला रूम। ये मनीष पॉडकास्ट, मैं इनके शो पे गई थी तो मुझे बहुत सारा सामान मिला था। ये हर्ष कुछ ना कुछ खरीद के लाता ही रहता है। सो ये है वो कंप्यूटर जिसमें हर्ष सारी चीज़ें डाउनलोड करते हैं जो हमारे वीडियोज़ होते हैं। और ये हमने भगवान जी रखे हुए हैं क्योंकि हमेशा अच्छे काम में भगवान जी हमारे साथ होते हैं और उनको साथ रखना भी चाहिए, ब्लेसिंग मिलती रहती है। और ये जो दीवार एकदम आप वाइट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टर वॉल है। यहाँ पे हर्ष बैठ के प्रोजेक्टर लगा के यहाँ पे फिल्में देखता है और आवाज़ बहुत तेज़ होती है। देखिए ये मनी प्लांट्स हैं, मनी आ नहीं रही लेकिन प्लांट्स बहुत अच्छे हैं हमारे घर में। सो ये था मेरे घर का छोटा सा एक होम टूर। सो कि आपको घर अच्छा लगा होगा। मेरा घर अच्छा लगा ना, जब तक हर्ष सोया है घर बहुत अच्छा लगता है। और अभी जब उठ जाएगा तब फिर मैं घर दिखाने लायक रहूँगी नहीं और ना ही घर रहेगा। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मारू कुछ बना दे। ओ माई गॉड, ऑर्डर तो ऐसे लेती है ना मारू, जैसे मतलब कि कहते हैं ना मैरियट होटल की शेफ होती, क्या खाओगे। जबकि मुझे मतलब कुछ इतना, डॉक्टर ने पराठे वराठे सब मना किए तो सादा ही कुछ बोला खाने को, तो मैं वही खाऊंगी। सो गाइस, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। लेकिन वो जो ऐप है कैश करो, वो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और अपनी वीडियो को पैम्पर कीजिएगा।
क्या बात है, थैंक यू सो मच बेबी, कितना अच्छा ऐप है यार अपनी प्रेग्नेंट बीबियों को पेम्पर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपनी बीवी को ऐसे ही पेम्पर करिए। अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है तो उसे पेम्पर करिए, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो पहले पेम्पर करिए, फिर प्रेग्नेंट करिए, और उसके बाद पेम्पर करिए, क्योंकि पेम्पर करना पतियों के नसीब में होता है। और हाँ, अगर आपका एक बच्चा है तो प्रेग्नेंट करिए, यानी कि 6-7 आपके बच्चे हैं और पेम्पर करने के लिए आप प्रेग्नेंट कर दो। ना ना प्रैक्टिकल तो हमारे 6-7 हो गए, तो तू क्या कैसे बोलेगी? अच्छा मतलब मैं सारी उम्र यही करती रहूं, मैं इतना पेम्पर नहीं होना चाहती, मैं तुझे खाली पेट नहीं रखूंगा आज के बाद। Guys, तो ये था हमारा आज का व्लॉग, सच्ची टाटा बाय बाय सी यू। अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसा ही बोलते ना। हाँ, हमारे चैनल को जिसका नाम है लॉल LOL लाइफ ऑफ लिम्बाचिया। यस, और ये ऐप अभी के अभी डाउनलोड करो जिसका नाम है कैश करो। कैशबैक नहीं, कैश करो, पैसे कट जाएंगे। इसने कैशबैक बोला, इसके पैसे काट देना, मैंने कैश करो। गाइस मैं तो कहती हूँ इसको इग्नोर करो और अभी के अभी ये ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है कैश करो।